हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारटोरियल। चैनल में आपका स्वागत है। और लगभग हमारा म्यूजिक क्लास 12 सिलेबस लगभग खत्म ही हो चुका है, लेकिन कुछ आठ टॉपिक अभी बचे हुए जो कि कंप्लीट करना अभी बाकी है। वैसे मैंने आपको टॉप 5 वीवीआई क्वेश्चन दे दिया है और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी 2019 में भी उसी से क्वेश्चन आया है, और अगले साल 2020 में भी मैं उम्मीद करता हूं उसी टॉप 5 वीवीआई क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस बार 2019 में, उसके लिए थैंक यू। और आज हम लोग बात करते हैं रागों के समय सिद्धांत पे। तो रागों के समय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? समय सिद्धांत मतलब रागों को समय के बेसिस पे कैसे गाया जाना चाहिए, इसका सिद्धांत। ये रागों का समय सिद्धांत जो है, ये हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम है। भारतीय संगीत की यह अपनी विशेषता है कि उसके रागों को गाने का कुछ खास समय होता है। जैसे भैरव राग जो है वो सुबह में ही गाया जाएगा, मालकोस रात में ही गाया जाएगा, और कुछ ऐसे विराग है जो कि किसी खास ऋतु में ही गाए जाएंगे, जैसे कि वसंत ऋतु में, वसंत बहार वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो रागों को समय के हिसाब से निर्धारित करने के लिए कुछ खास सिद्धांत माने गए, कुछ खास नियम माने गए हैं। उन्हीं नियमों को हमको इसके बारे में रागों के समय सिद्धांत में पढ़ना है। तो वो कैसे नियम है, किस तरह से हम लोगों ने रागों का विभाजन किया है, किस तरीके से हम लोगों को रागों को पढ़ना है, कैसे हम लोगों को जानना है, उसे ये हम लोग देखते हैं आज। तो मैंने नोट्स तो बना ही रखा है, अब मैं आपको नोट्स दिखाते हुए चलता हूँ, मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, ठीक है? तो हमारे पास पहला है स्वर संयोग से समय निर्धारण। उसमें हमारे पास तीन आता है, एक आता है कोमल रेधव वाले राग, दूसरा आता है हमारे पास शुद्ध रेधव वाले राग, और तीसरा आता है कोमल गौनी वाले राग। तो अब इन तीनों में हम लोग को समय का विभाजन करना है। सबसे पहले बेसिकली स्वर संयोग से समय का निर्धारण करना है। उसमें भी तीन तरह के आ जाते हैं, एक होते हैं कोमल रेधव वाले राग, एक होते हैं शुद्ध रेधव वाले राग, और एक होते हैं कोमल गौनी वाले राग। मैंने आपको बताया है कोमल राग कौन कौन से होते हैं, शुद्ध राग कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये सब बता रखा है। आप अगर देखना चाहते हो तो आप राग वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। कोमल रेधव वाले राग का जो गाने का समय होता है वो होता है सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7। ये गौर करिएगा, सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7, ये दिन और रात के मिलने का समय होता है। जैसे कि सुबह 4 से 7 में रात ढल रहा होता है और दिन आ रहा होता है, और शाम के 4 से 7 में दिन जा रहा होता है और रात आ रहा होता है। तो इस समय को संधि काल कहते हैं, यानी कि दिन और रात के संधि का समय, यानी कि दिन और रात के मिलन का समय। इसी वजह से इस समय यानी सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7 गाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं, क्योंकि ये दिन और रात के संधि काल में गाए जाते हैं। समझ गए, क्लियर है? कोमल रेधव वाले राग में सिंपल इतना है, सुबह 4 से 7 शाम को 4 से 7 इतना रख दोगे एग्जाम में नंबर देगा। उसके बाद है हमारे पास शुद्ध रेधव वाले राग। शुद्ध रेधव वाले राग का गायन समय 7 से 10, क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास कोमल गौनी वाले राग, इनका गायन समय देखो 4 से 7 ये, फिर 7 से 10 शुद्ध रेधव वाले राग, और फिर 7 से 10 हो गया, फिर 10 से 4 कोमल गौनी वाले राग, ठीक है? और फिर 4 से 7 तो फिर ये हो जाएगा कौन से, कोमल रेधव वाले राग। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले 4 से 7, फिर 7 से 10 और फिर 10 से 4। 4 से 7 कोमल रेधव वाले, और 7 से 10 शुद्ध रेधव वाले, और फिर 10 से 4 कोमल गौनी वाले, क्लियर है? अब फिर 4 से 7 ये, फिर 7 से 10 ये, फिर 4 से 7 ये, सुबह में ये शाम में भी ये, ऐसे ही अल्टरनेट चलते रहेगा। यही है सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ माथा लगाना है नहीं। देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रिक्शा भी ले लो, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको यहां तक बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आपने ले लिया, वो आगे बढ़ते हैं। मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण, अब इसमें क्या है वो देखते हैं। तो देखिए यहां मध्यम से क्या मतलब है, मध्यम है क्या? तो मध्यम का यहां मतलब मौ से है। अच्छा, मध्यम का मतलब मौ से है, ऐसा क्यों? मौ से मध्यम भी शुरू है, मौ से मौ भी है, इसलिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे गामा पधनी, इसमें देखिए मौ बीच में आ रहा है, यानी मौ मध्यम में आ रहा है। आप आगे से चले तब भी मौ बीच में आ रहा है, और पीछे से चले तब भी मौ बीच में आ रहा है, यानी कि सारे गामा पधनी में सारे गामा म उसमें मौ बीच में आ रहा है, और सनी धप म उसमें मौ बीच में आ रहा है, इसलिए मौ को मध्यम कहा गया है। अब मौ बीच में है तो भैया इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा ही। अब इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें दो तरह के मौ आते हैं, एक होते हैं शुद्ध मौ और एक होते हैं तीव्र मौ।
आपको पता है शुद्ध मोह और तीव्र मोह क्या होते हैं, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए शुद्ध मोह और तीव्र मोह कब कब गाए जाते हैं, हमको इस बारे में बात करना है। देखिए बात यह है कि दिन के समय में शुद्ध मध्यम गाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगता है वैसे वैसे तीव्र मोह का प्रयोग ज्यादा बढ़ जाता है, और रात के 12 बजे तक तो तीव्र मोह को रागों का राजा कहने लगते हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम तीव्र मोह ही गाया जाता है रात के 12 बजे तक, ठीक है। और वो उस टाइम शुद्ध मोह को अपने पास भी नहीं आने देता, और जैसे जैसे फिर रात घटता है तीव्र मोह का प्रयोग घटता है और शुद्ध मोह का प्रयोग बढ़ता है। सिंपल सी बात आपको इतनी याद रखनी है, दिन में शुद्ध मोह, रात में तीव्र मोह, क्लियर है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ये भी ले लो, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं वादी संवादी से समय निर्धारण। तो अब आप पूछोगे वादी संवादी क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जो सबसे ज्यादा, जो स्वर सबसे ज्यादा राग में गाए जाते हैं उसे वादी स्वर कहते हैं उस राग के लिए, और जो स्वर राग में सबसे ज्यादा वादी स्वर के बाद गाए जाते हैं उनको हम लोग संवादी स्वर कहते हैं उस राग के लिए, ठीक है। तो हम लोग वादी संवादी से समय का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए इसके बाद हमारे पास आता है वादी संवादी से समय निर्धारण के बाद आता है पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। तो वादी संवादी और पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग 99% सिमिलर है, एक तरह से बोल सकते हो 100% सिमिलर है, उसको बस दो कैटेगरी में बंटवारा कर दिया गया, क्योंकि दो बात सेम ही है बस नाम अलग अलग है, ऐसी बात हो गई। इसे समझ जाओगे उसे समझना कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं ये क्या है। तो जिस राग का वादी स्वर स रे ग म प इन पांचों में से कोई एक स्वर होता है उसे हम लोग पूर्वांगवादी राग कहते हैं, क्लियर है। अब जिन रागों का वादी स्वर इसमें से किसमें से, मैं आपको नोट करवाता हूं, मैंने वैसे नोट्स में लिख रखा है लेकिन मैं आपको यहां समझा देता हूं। म प ध नी स इसमें से कोई एक होता है उसे हम लोग उत्तरांगवादी राग कहते हैं। अब आपके पास भीषण सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है स रे ग तो ठीक है, म प और म प कॉमन आ गया, अब ये कैसे हो गया भैया, ये तो कानून के विरोध में। तो देखो यार ये चलता है, जब आप गाते हो ना तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां सेटल कर लेते हो कि किसको किस में डाले, वो गाने के हिसाब से सेटल हो जाता है। लेकिन आप थ्योरी में लिखोगे तो भैया यही लिखना और यही लिखना, ठीक है, हम लोग को तो थ्योरी लिखना है, कोई पीएचडी तो करना नहीं म्यूजिक में, अपने को 30 में 30 चाहिए और नंबर अच्छे लाने हैं इसलिए तो म्यूजिक लेते हैं, तो आप जो बोल रहा हूं वही लिखो। लेकिन जब गाने की बारी आई तो वो मैनेज हो जाता है। तो इतना समझ गए, स रे ग म प अगर किसी का वादी स्वर इन पांचों में आए तो उसे हम लोग पूर्वांगवादी राग कहते हैं, और किसी का वादी स्वर अगर इन पांचों में आए तो उसे हम लोग उत्तरांगवादी राग कहते हैं। और पूर्वांगवादी राग का गाने का समय सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक है, और उत्तरांगवादी रागों के गाने का समय रात 12 बजे से सुबह 12 बजे, क्लियर है। बस इतना ही लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत में इसका, ले लिया। चलो अब ले लो इसका, ले लिया। अब देखो हमारा चौथा नंबर है पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। जो मैंने इससे पहले में बोला वादी संवादी से समय निर्धारण है वही बात है, मैंने उसमें क्या बोला जिन रागों का वादी स्वर जो है वो सारे गम प में आता है उसे हम लोग पूर्वांग वादी राग कहते हैं, और उसके गाने का समय सुबह 12 से शाम 12 बजे तक है, यानी रात 12 बजे तक है। तो वही बात है इसमें, क्या है वही बात है कि जिन रागों का पूर्व अंग प्रबल हो, यानी जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में आते हो यानी कि सारे गम प में आते हो वो दिन के पूर्वार्ध में गाए जाएंगे यानी कि सुबह 12 से रात 12 बजे तक गाए जाएंगे, और जिन रागों का उत्तरांग ज्यादा प्रबल हो यानी कि जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में यानी कि म प ध नि स में आते हो वो दिन के उत्तरांग में यानी कि रात 12 से सुबह 12 तक गाए जाएंगे, वही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बात वही है लेकिन दो नाम अलग अलग है, ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। अब ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण से क्या मतलब है, देखो कुछ कुछ राग ऐसे होते हैं जो किसी खास ऋतु में ही गाए बजाए जाते हैं, जैसे कि अपने वसंत ऋतु में गाए बजाए जाते हैं वसंत राग, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं मेघ राग। तो कुछ खास खास राग हैं जो किसी खास खास ऋतु में ही गाए जाते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें हम लोग 24 घंटे गाए जा सकते हैं। क्यों इसे हम लोग 24 घंटे क्यों गा सकते हैं, देखो इससे पहले जितने भी राग हम लोगों ने देखे थे कुछ, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि शुद्ध वाले फिर तीव्र वाले, सुबह 7 से 4 से 7 फिर 7 से 10 फिर शाम 7 से 10 ऐसे करके हम लोगों ने देखा था भाई, देखा था ना कोमल रेधा वाले राग सुबह 4 से 7 और फिर शुद्ध रेधा वाले 7 से 10 फिर कोमल गौनी वाले फिर 10 से 4 और फिर देखे थे मध्यम के प्रयोग समय निर्धारण में एक सुबह में एक रात में, ऐसे कर करके हम लोगों ने देखा था। तो 24 घंटे कोई एक राग नहीं गाया जा सकता था, इनमें क्या है कि 24 घंटे गाया जा सकते हैं। ऐसा क्यों,
भाई किसी खास ऋतु में गा रहे हो तुम, जैसे वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में वसंत राग गा रहे हो, तो भाई वसंत ऋतु 12 घंटे का तो होता नहीं है, कम से कम एक महीने का होता है, तुम 2400 घंटे गा सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब वसंत ऋतु आज से शुरू हो रहा है, एक महीने में खत्म हो रहा है, तो तुम 2400 घंटे गा सकते हो, एक महीने का है, तो बस वही लॉजिक है इसमें। इनमें बस इतना सा है कि ये 2400 घंटे गाए जा सकते हैं, ये किसी खास ऋतु में गाए जा सकते हैं, और एग्जांपल में आप ले लो वसंत ऋतु में वसंत राग और वर्षा ऋतु में मेघराग, आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफी आसान है। और लास्ट वन बस एक और बच जाता है, गीत के अर्थ पर समय निर्धारण, वो भी हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों ने ले लिया। चलो देखो, गीत के अर्थ पर समय निर्धारण ये बहुत ही सिंपल सा है और बहुत साधारण सा लॉजिक है इसमें। देखो, जिन रागों में सुबह के शब्दों का ज्यादा प्रयोग हो, जिन रागों में सुबह की ज्यादा चर्चा हो, उसे हम लोग सुबह में गाएंगे, और जिन रागों में रात के समय की ज्यादा चर्चा हो, जिनमें रातों की चर्चा हो, जिनमें रात के कामों की चर्चा हो, उन्हें हम लोग रात में गाएंगे। इतना ही है, सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो, मैंने बता ही दिया, एक बार पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके, मैं स्क्रीनशॉट इतने दिलवाता था कि अब एक बार पढ़ लो, हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया एग्जाम में जाके। वैसे म्यूजिक एग्जाम में कोई ज्यादा टेंशन रहता नहीं, आपको आराम से याद आएगा, 3 घंटे देते हैं और 1 घंटे में पेपर कंप्लीट होने वाला रहता है। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, हमारे शायद एक दो टॉपिक और बचे हैं, हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।